चलिए ये स्ट्रक्चर मेरा है सेंटेंस का, और आप इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जो एक ऑर्डिनरी बच्चे से या एक ऑर्डिनरी टीचर से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं, एडवर्बियल्स पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, ये हम उनके बारे में बहुत श्योर नहीं होते। अगर आज आपको एक सेंटेंस दिया जाए, द टॉल मैन इज डूइंग हिज वर्क, मैंने कहा आप ऐसा कुछ जानेंगे जो आपने बहुत ध्यान नहीं दिया इन चीजों में। देखिए कैसे हम लोग बचपन से क्या पढ़े हैं कि जहां से हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब शुरू होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है, और जहां से हमारा उसके पहले का जो सेक्शन होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी अगर हम एक सेंटेंस को डिवाइड करें तो ये होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लें, और सारे बच्चे आप जानते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह वाक्य होता है दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है वो हमारा सेंटेंस होता है। कोई भी हमसे पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, क्या बताएं हम, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे हमें क्या पता चलता है, उसका पूर्ण अर्थ पता चलता है। जैसे आपने कोई वाक्य लिखा, यही लिखा द टॉल मैन इज डूइंग हिज वर्क, ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है कि वो जो लंबा आदमी है वो क्या कर रहा है, अपना कार्य। दिस इज अ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इनका एक कंप्लीट सेंस आपका निकल रहा है तो क्या कहला गया, वाक्य, एक सेंटेंस कहला है। जब भी आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप दो लेवल्स पे पढ़ते हैं, और यही दो ही लेवल आपके मेन है, यही है ये मेन का, वो दो लेवल्स है। पहला पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के पार्ट्स यानी उसके भाग, और दूसरा टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार, दो ही लेवल है, सेंटेंस के पार्ट्स यानी उनके भाग और दूसरा सेंटेंस के टाइप्स यानी उनके प्रकार। जो हमारा पहला लेवल आज हम शुरू करेंगे वो सेंटेंस के क्या होंगे, पार्ट्स, यानी ये लेवल हम शुरू करेंगे। देखिए जैसे ही आप एक सेंटेंस के पार्ट्स की बात करते हैं तो आपके पास दो पार्ट्स हो जाते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, ये आपकी दो लेवल्स दो पार्ट्स हो जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसको हिंदी में हम कहते हैं उद्देश्य, और ये जो प्रेडिकेट है इसको हिंदी में कहते हैं विधेय, हिंदी है इसे बहुत आपका मतलब नहीं है फिर भी। तो यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट्स, कौन कौन से दो पार्ट्स, एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट, इन्हीं दो पर सारी जद्दोजहद है, हमें जो हमारी मेहनत है अगर इन दो पर हमने कार्य कर लिया, मेहनत कर लिया, विश्वास करें आगे इनमें साबित कहीं कहीं स्ट्रक्चर के रूप में या फंक्शन के रूप में बहुत आसान हो जाए। और जिन बच्चों ने यहां से सेंटेंस से मेहनत नहीं किया उनकी इंग्लिश हमेशा वीक रहे, और ये कहीं से भी आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। सबसे बड़ी चीज क्या है, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें आप इस सेंटेंस में जानेंगे या पढ़ेंगे समझेंगे, जो चीजें न होने की वजह से आपको ऐसा लगता था कि इंग्लिश क्या है बहुत टफ है कठिन है, जो आसान होगी धीरे धीरे दो तीन दिन के अंदर आप देखेंगे आप। तो सबसे पहले हमने जाना ये सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, फिर हमें अब ये समझना होगा सब्जेक्ट क्या होता है और फिर प्रेडिकेट, पहले इसको लिख ले कॉपी में फर्स्ट। नहीं, सेंटेंस के पार्ट्स के रूप में अगर आप डेफिनेशन तो लिखे थे आपने, कर लेंगे कर।
फिर से हेडिंग दे लीजिए आप सब्जेक्ट, यानी यहां से शुरू करो सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट के बारे में लिखें, वाक्य का वह हिस्सा, वाक्य का वह हिस्सा, वाक्य का वह हिस्सा जिसकी बात की जा रही हो, जिसकी बात की जा रही हो, वाक्य का वह हिस्सा जिसकी बात की जा रही हो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में पहचान, लेकिन कैसे पहचानेंगे आप? देखें वर्ब से, वर्ब से VERB, वर्ब से अगर कौन का प्रश्न किया जाए, कौन का प्रश्न किया जाए जैसे, उसी का लिखेगा जैसे सिंगल इनवर्टेड कॉमा में कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कॉमा क्लोज करिए, या फिर सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख लें कौन है, कौन है, कौन है का प्रश्न करें, का प्रश्न करें, तो जो जवाब मिलेगा, जो जवाब मिलेगा वह सब्जेक्ट होगा, वह सब्जेक्ट होगा। एक हम इससे बेहतर पहचान जान सकते हैं कैसे, देखें उसी के नीचे लेकिन लाइन चेंज करके हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड से पहले जो हिस्सा होता है प्रायः वह सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। सामने लिखा है देख सकते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले जो हिस्सा होता है या लिखा होता है प्रायः, हमेशा नहीं प्रायः, वह सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ओके, अब आप देखिए आराम से पहचान सकते हैं, आप में से जो बच्चे अभी हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड न समझते हो वो बच्चे समझें, जो इस एम आर वाज वर्ड हैज हैव हैड वगैरह होता है, डू डज डिड होता है, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ड्स हैं। मेन वर्ड्स आप समझते हैं कम गो रन ईट सिंग वॉक, ये सारी क्या है आपकी मेन वर्ड्स होती है। अब देखिए पहली बात, क्या हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, द गुड बॉय कॉल्ड मी वेरी लाउड। आप में से 80% बच्चे जो ये समझते हो कि इसमें वर्ब कौन सी है, पहले आप जाने वर्ब वही होती जो कार्य किया जा रहा है, वो वर्ब है आपकी, जो वर्ब है अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। हमारी वर्ब कहां से शुरू है, कहां से, कॉल्ड से, यहां से हमारी वर्ब। अब भी हम पढ़ेंगे आगे कि ये पोर्शन हमारा किसमें आएगा, पूरा प्रेडिकेट का, ठीक है।
लेकिन अभी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इस पेडिकेट के पहले का ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जहां से आपकी वर्ब शुरू हो रही है उसके पहले का जो हिस्सा है वो आपका सब्जेक्ट है। एक और बात है, द मैन इन दिस रूम इज Basic. आप अपने से कोशिश करें, हमारा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कहां से शुरू है? इज से, है ना? यहां से क्या है हमारा, ये प्रेडिकेट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो अगर आपने प्रेडिकेट छांट लिया तो आप सोच देखें ये अपने आप पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पहले लिखे और एग्जाम्पल करने का, अब वो आपका वो समय आ गया है जहां पे आप कह सकते हैं कि ग्रामर इज इजी या इंग्लिश इज इजी, बस मेहनत करें मेरे साथ हर चीज आप कर सकते हैं। और अभी शुरुआत है, पढ़ते जाइए, बढ़िया लगेगा आपको। ये सबसे पहली वो सीढ़ी है जो एक बच्चे को जानना चाहिए। हाँ, जो वाक्य लिखा है उसमें सबसे क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी आगे वर्ब वगैरह और हम पढ़ेंगे और बेहतर जानेंगे, अभी केवल हमारा टारगेट सब्जेक्ट है। लेंगे सारे बच्चे आप में, किसी भी बच्चे को या बच्चे को जिसको समझ में ना आ रहा हो, यहां कुछ भी अगर आपको लग रहा हो आप नहीं समझ पा रहे, देखें ये आपको जानना होगा जो कार्य किया जाता है वो वर्ब है। आगे हम जानेंगे भी, और अभी हम यहां पे देखें ये कॉड है, इसने क्या किया, बुलाया, ये कार्य हो। तो जहां से कार्य यानी क्रिया आपकी शुरू होती है वहां से क्या हो गया, प्रेडिकेट। अगर आपने ये पहचान लिया कि यह प्रेडिकेट है तो आप आराम से पहचान सकते ये पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहां से इज एम आर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, यहां ध्यान रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब, आगे मैं भी कह सकते अभी जाने मेन वर्ब। तो यहां से पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यही इस देखिए मैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको दे रहा हूं, द वर्ब इज टॉकिंग टू हर। यहां इस देख रहे होंगे मेन वर्ब आपकी टॉकिंग है, कार्य तो बात करने का हो रहा है, तो इस क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब जो आगे हम जाने। यहां से ये क्लियर है कि हमारा कौन सा पोर्शन होगा, प्रेडिकेट, यानी ये पोर्शन हमारा प्रेडिकेट होगा। और अगर हम ये प्रेडिकेट सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो आराम से हम कह सकते हैं कि ये पोर्शन क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट कोई भी बच्चा आप में जिसको समझ में ना आ रहा हो, किसी भी प्रकार से आप पसेल महसूस कर रहे हो, कुछ भी, अभी हमारा टारगेट क्या हो, सब्जेक्ट पहचान। अभी कुछ ही देर में आज ही हम जानेंगे कि इन दिस रूम क्या है, ये टॉल क्या है, ये टॉ क्या है, सारा हमें की करके जान सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं आप, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, TYPES। ये पहले मैं पढ़ाता था, बीच में छोड़ दिया तुमने। Types of subject. एक सब्जेक्ट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, तीन भागों में नहीं होता। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एक सब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है।
एक सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट हो सकता है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट हो सकता है जिसे कॉम्प्लेक्स नाम से भी आप कह सकते हैं, और एक सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है। देख लेता है, ये जो सिंपल सब्जेक्ट मीन्स केवल नाउन या प्रोनाउन, केवल नाउन या प्रोनाउन जो है वो आपका सिंपल सब्जेक्ट हो जाए। कंप्लीट सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन विद इट्स मॉडिफायर्स, और कंपाउंड सब्जेक्ट मीन्स नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन। अच्छे से लिखेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आप अपने टीचर्स से बेहतर होंगे, ज्यादातर टीचर्स जो यहां प्रभाव है, यदि आप इन चीजों पर मेरे साथ मेहनत करें। यानी कोई पूछे सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के तीन प्रकार होते हैं। पहला सिंपल सब्जेक्ट जिसमें कोई एक नाउन या प्रोनाउन रहेगा केवल। दूसरा कंप्लीट सब्जेक्ट, जैसे अभी आपने पूछा वो इन दिस रूम क्या है, तो पूरा मिलाकर के क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। उसमें भी कुछ दिन हम अलग अलग करेंगे इन दिस रूम क्या है और बाकी क्या है। और तीसरा कंपाउंड सब्जेक्ट जो आपका नाउन या प्रोनाउन एक होगा और दूसरे एंड से नाउन प्रोनाउन से जुड़ा होगा आपका। मैं तीनों के एग्जांपल्स दे रहा हूं, हो गया कि देख। सबसे पहले आपने कहा राम इज अ, देख कभी भी जल्दीबाजी ना करें। सबसे पहले ये छांटे कौन सा पोर्शन हमारा प्रेडिकेट का होगा, कहां से सुनेगा। ये जो इस से हमारा पोर्शन है ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है, ये क्लियर हो जाना चाहिए धीरे धीरे। प्रेडिकेट तो फिर ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाए। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मुख्य सब्जेक्ट क्या है, एक नाउन है, सिंगल वर्ड है, तो आराम से कह दें ये जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल में अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द मैन इन दिस रूम इज। आप इतनी देर में इतने सक्षम हैं कि आप ये पहचान सकें कि कहां से हमारा प्रेडिकेट शुरू होगा, कहां से इस लॉ में ये हमारा पूरा क्या है प्रेडिकेट है। अगर ये पूरा प्रेडिकेट है तो ये इतना बड़ा क्या है सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट देखिए एक नाउन है ना, लेकिन बाकी इसको बताने वाले हैं, ये द इसके बारे में बता रहा है, ये इन दिस रूम किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में। तो जब एक नाउन के बारे में और शब्द बताने वाले हो तो उन्हें मॉडिफायर्स कहा जाता है, क्या कहते हैं मॉडिफायर्स। तो जब एक नाउन के साथ उसके अन्य मॉडिफायर्स हैं तो ऐसा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कंप्लीट सब्जेक्ट। इसको आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के रूप में भी जान सकते हैं, कंप्लीट बेहतर, कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाए। द
the man in this room pura complete subject ke antargat aayega. अगर आप और अच्छा बनना चाहते हैं तो इस कंप्लीट सब्जेक्ट में भी एक सिंपल सब्जेक्ट है आपके पास, कहां मैं ये जाने आप लोग धीरे धीरे ये मैं यहां क्या है, सिंपल वो नाउन या प्रोनाउन केवल जो अकेला है उसमें वो सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट में हो जाएगा. और लास्ट और भी आसान है, अभी सोच के देखें. जिन बच्चों के पास मेरी पहले की नोट्स होंगी अगर 2016 के पहले की 13, 14, 15 वगैरह की, तो देखिए पहले मैं पढ़ाता था फिर मैंने इसे बंद कर दिया क्योंकि ये चीजें आपकी जानकारी के लिए काम आएंगी, आपके कंप्रेशन में काम नहीं आएंगे. लेकिन आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी बेस की आवश्यकता, हर हाल बहुत सारी बच्चे इसमें 80% बच्चियां वो हैं जिनको अभी जानकारी लेनी है कहा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है. तो अगर अभी सब ये सोचेंगे हम कंप्लीशन पास कर लें तो इन बच्चे उन बच्चों के साथ ही अन्याय हो. पहले हम स्ट्रक्चर जान लें पूरा, कैसे सब्जेक्ट पहचानते हैं, अभी तो आपकी स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे जान जाएंगे कैसे हम सब्जेक्ट पहचाने, कैसे हम वर्ब पहचाने, कैसे हम ऑब्जेक्ट पहचाने, कैसे हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पहचाने, कैसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पहचाने, और सबसे बढ़िया कैसे हमें एडवर्बियल या एडवर्ब को पहचाने जो थोड़ी बहुत आपको याद होगा कब क्यों कैसे कहां से हमको क्या मिलता है धीरे धीरे आ जाएगा. अब हम इस तीसरा एग्जांपल लेते हैं राम एंड रहीम आर फ्रेंड्स. सबसे पहली चीज आप बता लेंगे कि हमारा प्रेडिकेट कहां से है, आप क्लियर है ये हमारा प्रेडिकेट है, उसको छोड़ देते हैं लिख करके. तो स्पष्ट अगर वो प्रेडिकेट है तो एक वाक्य के दो ही हिस्से होते हैं तो फिर ये पूरा क्या हो जाए, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो. और आराम से देखिए दो नाउन्स या दो प्रोनाउन्स किससे जुड़े हैं, एंड से. आपको याद होगा क्लास आप पढ़े हुए हैं एंड कौन सा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग से कौन सी क्लास बनती है, कोऑर्डिनेट क्लास. और कोऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, दिस इज द रीजन वी कॉल इट कंपाउंड सब्जेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा. लिख हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग होगी वो कंपाउंड सब्जेक्ट बना देगी क्योंकि ये वो कंजंक्शन होते हैं जो हमेशा दो समान लेवल पे जोड़ते हैं इसीलिए इनको कंपाउंड कहा जाता है. तो एज वेल एज ले आप ऐसे बोलेंगे ना, राम एज वेल एज रहीम, ही एज वेल एज शी, दिस इज कंपाउंड. चलिए आगे ना बढ़े, मैं आपको तीन सेंटेंस दे रहा हूं और आप अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करें. नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट. बढ़ा देना से. इन तीन वाक्यों में सबसे पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं कि वह सिंपल सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है या कंपाउंड सब्जेक्ट है. हेलो, सबसे पहला वाक्य है द मैन ऑन द रोड इज हैप्पी.
इसमें कौन सा प्रेडिकेट होगा, कहां से? एग्जैक्टली, गुड, यहां से क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, सब हो जाएगा द मैन ऑन द रोड। तो बाबू ये भी बता सकते हो यह जो सब्जेक्ट है ये सिंपल सब्जेक्ट होगा, कंप्लीट होगा या कंपाउंड, कौन सा होगा? सोच रहे, सिंपल होने के लिए केवल एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए, कंप्लीट होने के लिए कई सारे शब्द चाहिए, और कंपाउंड होने के लिए एंड से जुड़ा होना चाहिए, कौन सा होगा ये, कौन सा सब्जेक्ट होगा? क्या सिंपल होगा ये, एक कोई वर्ड है इसमें? नहीं, सिंपल नहीं होगा। क्या ये कंप्लीट होगा, कई सारे वर्ड्स हैं, होगा, कौन सा होगा ये, कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, कौन सा, कंप्लीट, बैठ ये हो जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट सब्जेक्ट। चलिए दूसरे नंबर पे आपके बगल में तीसरी लाइन में दूसरे नंबर पे, रमेश एंड हिज फ्रेंड्स आर हियर, कहां से हमारा प्रेडिकेट होगा, आर हियर, ये क्या हो जाएगा प्रेडिकेट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंपल कंप्लीट या कंपाउंड, क्यों कंपाउंड होगा, कि वो एंड से दो नाउन्स क्या है आपस में जुड़े हुए, ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, बैठ, कंपाउंड सब्जेक्ट, चलो बोलो तुम्हें, हाँ कहां से इसमें हमारा प्रेडिकेट शुरू होगा, इज वेरी हैप्पी, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ये सिंपल कंप्लीट या कंपाउंड, कौन सा सब्जेक्ट होगा, सिंपल होगा, क्यों सिंपल होगा, क्योंकि एक है जो नाउन या प्रोनाउन होगा, बैठ, ये हमारा हो जाएगा सिंपल, कोई भी क्वाड्रेटिक कंजंक्शन अगर आप दो समान नाउन सब प्रोनाउन को जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई बच्चा जो नहीं समझ पा रहा हो, कोई भी आप में जिसको लग रहा हो अभी भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे, हाँ द मैन लिखे तभी वो कंप्लीट होगा, केवल नाउन या प्रोनाउन है तब वो क्या होगा सिंपल, उस नाउन या प्रोनाउन से अन्य शब्द जुड़े हो, कोई क्वालिफायर, कोई डिटर्मिनर, कोई एडजेक्टिवल फ्रेज, जो भी हम जानेंगे आगे, ये क्या हो जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट, और जैसे वो एंड से दो नाउन से या दो प्रोनाउन जुड़े रहेंगे नॉर्मली वो क्या हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। ओके, हेडिंग में पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, पी ए आर डी एस, अब आप और बेहतर जानेंगे, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, ये तो हमने उनका नाम जाना, ये सिंपल सब्जेक्ट है, ये कंपाउंड है, कंप्लीट है, या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, अभी हम जानेंगे कि जो जो शब्द लिखे थे वो कौन कौन से पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। देख, एक सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो तीन होते हैं, क्वालिफायर्स या जिन्हें आप डिटरमिनर्स कहते हैं, दूसरा हेडवर्ड और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। लिख लें पहले, ये सेंटेंस में सबसेट के पार्ट्स है, यानी एक सबसेट के अंतर्गत कोई क्वालिफायर या कोई डिटरमिनर आ सकता है, एक उसका हेडवर्ड तो हर हाल में रहेगा, वह नाउन या प्रोनाउन जो मेन है वो हेडवर्ड रहेगा, और एक एडजेक्टिवल फ्रेज होगा।
हम यहीं पर छोटे से स्थान पे हम देखे समझ सकते हैं, कहीं आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आप समझ लें। मुख्य शब्द से पहले जो है वो क्या है, क्वालिफायर या डिटरमिनर। मुख्य शब्द समझ रहे हैं ये जो नाउन या प्रोनाउन है, उसके पहले जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो क्या है, क्वालिफायर या डिटरमिनर कहलाता है। कुछ नाम से क्वांटिफायर भी लिखा जाएगा, जैसे सम है, मैनी है, इन्हें क्वांटिफायर भी कहते हैं। आप इतना टेंशन ना लें, ये वो मुख्य शब्द है। कौन सा मुख्य शब्द, वह नाउन या प्रोनाउन। और ये एडजेक्टिवल फ्रेज है जो बहुत आसान समझना। देखें हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट के पहले जो भी है वो क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। लिख लें अच्छे से, हो गया। सारे बच्चों लिख लें, कोई पूछे क्वालिफायर क्या होता है तो आप कह सकते हैं हेड वर्ड के ठीक पहले, कहां हेड वर्ड के ठीक पहले जो शब्द है वो क्वालिफायर था। अगर उस हेड वर्ड के ठीक पहले जो शब्द है उसके भी पहले कुछ है वो क्या है, डिटरमिनर है। बच्चों अभी एक समझे, हेड वर्ड बिल्कुल इसी है, वो नाउन या प्रोनाउन हेड वर्ड है आपका। उस नाउन या प्रोनाउन के बाद और प्रेडिकेट से पहले जो कुछ भी है वो क्या है, एडजेक्टिव। अभी आपने क्या कहा, द मैन इन दिस रूम, मैन क्या है हेड वर्ड, उसके बाद क्या था इन दिस रूम, उसी को हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव। जो हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, देख आपने लिखा द मैन इन दिस रूम इज माय गॉड। लाइफ में जब भी आप स्टेप वाइज बढ़ते हैं तो आपकी असफलता के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते जाते हैं, जब स्टेप वाइज बढ़ेंगे आप। और जब बहुत तेज छलांग लगाते हैं तो फिसलने का भय होता है, गिरने का डर होता है। तो एक एक स्टेप, सबसे पहले इस पूरे वाक्य को दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, वो पार्ट्स होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कहां से प्रेडिकेट है आपका, करीब करीब सारे बच्चे समझ लेंगे। कोई भी बच्चा जो न समझ पा रहा, स्पेशली कोई बच्ची जो भी लेट में आई हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हमारा प्रेडिकेट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कर लेंगे सारी बच्चियां। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट। नहीं इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं, तो कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। इस कंप्लीट सब्जेक्ट में एक हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट होगा, कौन सा, ये मैन सिंपल सब्जेक्ट। इसी मैन को हम क्या कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं सिंपल सब्जेक्ट जो है क्या होता है, वो हेडवर्ड होता है। अब इस हेडवर्ड के पहले कुछ है क्या, है सिंगल वर्ड है आपका, आप आराम से क्या कह सकते हैं, आप इसे डिटरमिनर भी कह रहा हो, और इससे बड़ी चीज आप इसे आर्टिकल कह लीजिए। आप दो क्या होता है याद करें, ये सब जो आप क्वालिफायर्स पढ़ते हैं, डिटरमिनर्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, क्वांटिफायर्स पढ़ते हैं, पता है क्या है, ये सारे वो शब्द हैं जो एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि
नाउन के बारे में बताने की जिम्मेदारी पूरे पास्ता के स्पीच में केवल एक शब्द की है। वो शब्द क्या है? उसी का एक रूप है, कोई ऑर्डिकल के रूप में, जैसे कहते हैं ईश्वर है तो उसके कई सारे रूप हैं, वैसे ही जो एडजेक्टिव्स है उसके कई सारे रूप हैं। वो क्वांटिफायर हो सकता है, वो क्वालिफायर हो सकता है, वो डिटरमिनर हो सकता है, या वही आर्टिकल हो सकता है। कुछ भी ना चाहे तो आप इतना कह दें कि यह शब्द यहां एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो पास्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के रूप में क्या है? आर्टिकल। कुछ ना आए तो आप तर्क दीजिए मुख्य शब्द के ठीक पहले जो शब्द होता है वो क्या होता है? क्लियर है? ये क्या हो गया? एडवर्ब। अभी कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ, हमने देखा कि अभी हमारा प्रेडिकेट नहीं आया। हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले जो कुछ भी है वो क्या है? क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ये आपका एडजेक्टिव। अगर मन में आपके आए कि सर इसे एडजेक्टिव फ्रेज क्यों कह रहे हैं, ध्यान से देखें, ये कुछ शब्द है ना, इसलिए फ्रेज है। पता है याद है आपको कौन सी फ्रेज है? प्रीपोजिशन। ये फायदा पढ़ने वालों, ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फिर भी हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था एक प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है या एडवर्ब की तरह कार्य करती है। यहां ये इन दिस रूम किसके बारे में? मैन क्या है? नाउन। यानी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज। एग्जाम्पल, चीजें बहुत आसान है, मैंने कहा बस समझने की आवश्यकता है। एक बार आप सेंटेंस, टेंस और मॉडल्स अच्छे से पढ़ लें, आपके इंग्लिश इतना अच्छी हो जाती है। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि यही तीन चीजें हैं जो एक बच्चे को कमजोर बना देती है, टेंस, मॉडल्स और ये स्ट्रक्चर पूरा। अभी तो मैंने कहा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं आप एंसर करें, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वास्तव में आपके तीन चीज मुख्य है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को पहले पहचान ले रहा, अभी वर्ब और ऑब्जेक्ट मेन है जो आगे धीरे धीरे हम जानेंगे, जिसमें सर पहली बार आप जाने कुछ बच्चे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है, डाइट्रांजिटिव हो सकती है, लिंकिंग हो सकती है, स्टेटिव वर्ब हो सकती है, एक जो कॉम्प्लीमेंट होता हो सकता है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, और ये सारी चीजें आपकी हैं जो धीरे धीरे आपको कंप्लीट पैकेज के रूप में मिलेगा। कर लेंगे, चलिए ये बात भी आप कर लेंगे। सेम सेंटेंस करी मैं लिख रहा हूं, देखें, द डॉग बॉय फेल, द मैन इज वेरी सैड। कभी ये केवल एक वाक्य रहता था, बस हम देखते थे, थोड़ा वो समझ लेते थे, कंप्लीट हुआ तो समझ नहीं पाते क्या है वो। अभी आप पहला स्टेप क्या लेंगे? प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इतना बड़ा सब्जेक्ट, अगर इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो निश्चित इसमें हेड वर्ड या सिंपल सब्जेक्ट होगा। कौन सा? ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा? हेड वर्ड या सिंपल सब्जेक्ट। इसके ठीक पहले क्या है? ये क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा। अभी उसके भी पहले एक शब्द है, ये क्या हो जाएगा? इतना आसान। अगर आप और बेहतर मॉडर्न ग्रामर का यूज करना चाहते हैं तो आप ये कह दें यह डिटरमिन प्री है और यह डिटरमिन, अरे डिटरमिनर पोस्ट, ये डिटरमिनर, डिटरमिनर प्री और ये डिटरमिनर पोस्ट, और ये क्या है? कुछ ना आए तो आप कहिए हेड वर्ड के ठीक पहले जो शब्द है वो क्वालिफायर है, और क्वालिफायर के भी पहले अगर कोई शब्द है तो वह डिटरमिनर। अब हमारे पास शब्द हो गए डिटरमिनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड, और ये हम मुख्य कह सकते हैं। ये पोर्शन क्या है? पूरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। जो कुछ भी हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट से पहले है वो निश्चित ही क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। यहां पर देखिए कौन सी फ्रेज है?
प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन ना, यहाँ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एक एडजेक्टिव की तरह क्या कर रही है, लाइक एडजेक्टिव फ्रेज। कहीं भी आपको ऐसा लगे आप नहीं समझ पा रहे बोलिएगा, इसलिए नहीं कि आपने पैसा जमा किया, फीस जमा किया, नहीं जमा किया। मैं फिर कहूंगा आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय दे रहे, टाइम दे रहे, जिसकी वैल्यू को आप हमेशा महसूस करें। कोई भी बच्चा जो नहीं समझ पा रहा हो, कोई भी आप में समझ लेना बोल। पहले इसका हेड वर्ड कौन सा शब्द है? हेड वर्ड इस पूरे शब्द का मुख्य शब्द कौन सा है? इस पूरे वाक्य में हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वाई की। ये क्या कहलाएगा? हेड वर्ड। अगर ये हेड वर्ड है तो आपको तो रख ले दिमाग में कि हेड वर्ड के ठीक पहले जो है वो क्या है, क्वालिफायर। उसके भी पहले अगर कुछ है तो हेड वर्ड। अगर आपके सर इसके भी पहले बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये क्वालिफायर हो जाएगा, ये डिटरमिनर सेकंड यानी पोस्ट हो जाएगा, और ये डिटरमिनर फर्स्ट हो जाएगा। यानी डिटरमिनर प्री, डिटरमिनर पोस्ट, क्वालिफायर हेड वर्ड। ऐसे बनाए कुछ भी ना आए तो आप कहें सारे क्या है, डिटरमिनर्स हैं। क्यों? क्योंकि सब इसके बारे में बता रहे हैं, जो कुछ भी नाउन के बारे में बता है, मैंने कहा एडजेक्टिव्स हैं, डिटरमिनर्स हैं, जो उनके बारे में बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा विद द मैन एडजेक्टिव। और वाक्य लेने आप देखो, इंटेलिजेंट बर्ड्स इन माई क्लास हैव प्रयोग। कहां से प्रेडिकेट होगा हमारा हैव कम, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, हटा देते हैं इसको, ठीक है। इतना बड़ा हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, इसका मेन वर्ड कौन है, बॉस। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेड वर्ड। हेड वर्ड के ठीक पहले क्वालिफायर, इसके भी पहले कौन से दिक्कत सोच। अब अगर कहूं इससे भी नहीं आप समझ पा रहे हैं तो भी अपने आप से निराश ना हो, आप कहें कि आपको और अधिक समय देने की क्या है जरूरत, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं जो क्या हूं बहुत कठिन हो, कि टीचर पढ़ाते हुए हमेशा समझता है कि वो कितना समझा सकता है। ये समझ में आना चाहिए ही आपको। चलिए और ये इन माय क्लास क्या हो जाए, एडजेक्टिव कर ले लास्ट एग्जाम। हो गया, चलिए। ये पोर्शन था आपका केवल और केवल सबसे, जो दूसरा पोर्शन हमारा किसका होगा, वो पेडिकेट। वाक्य का वह हिस्सा, वाक्य का वह हिस्सा जो ये बताए, जो ये बताए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है,
सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी अवस्था क्या है, कॉमा दे दें, प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। फिर से हेडिंग दे ले, आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में पहचान। बहुत इजी, अभी आपने इंटरेस्ट लिखा था, जहां से हेल्पिंग वर्ड या मेन वर्ड स्टार्ट हो वहां से क्या है प्रेडिकेट शुरू होता है। हाँ ये पिता पिता जहां से हेल्पिंग और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग या मेन वर्ब के पहले ही तो एडजेक्ट टाइटल फ्रेज होता है। क्योंकि नितिन एडजेक्टिव फ्रेज का होना जरूरी नहीं, जरूरत है नहीं, तो जहां से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाए। ध्यान रखें, इसमें कुछ और भी अच्छी चीज जानेंगे। जिन बच्चों के भ्रम होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से पहले सब सब्जेक्ट है वो गलतफहमी के शिकार होते हैं, तो बहुत बार आपको जो सब्जेक्ट का पोर्शन दिखता है उसमें भी आपके एडवर्ब हो सकता है, और एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता है, प्रेडिकेट का हिस्सा। तो आगे हो गया, अब आप ये अगली पहचान चुके हैं, फिर भी आप ट्रेडिशनली पहचान करने की कोशिश करें। The students in my class are working, आराम से पहचान सकते। कहां से हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है, आर वर्किंग हार्ड, द सेज प्रेडिकेट। ओके, अगर यह प्रेडिकेट है तो यह क्या है, क्या है सब्जेक्ट कुछ है। अब आप अलग अलग कर सकते हैं, आप इतने समर्थ हैं, वैसे पूछे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव है, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। जिस बच्चे को लगता है उसके लिए कठिन है, वास्तव में वो चीजें कठिन नहीं, उसकी मेंटालिटी उसकी सोच उन चीजों तक पहुंच नहीं पा रही, तो बच्चा और मेहनत करे, और अधिक मेहनत करे, और बैचेस पढ़े। अगर आपको मेरे ना भरोसा हो किसी से भी पढ़े पढ़े, क्योंकि कहीं कहीं हर आदमी सोचने की क्षमता क्या होती है अलग अलग होती है, आप मानना। चलिए, तो हमारे पास द स्टूडेंट्स इन माय क्लास, ये पूरा क्या है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्या कि यह एक सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट या कंपाउंड कौन सा होगा, या एक कंप्लीट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास कई सारे शब्द हैं। इसमें भी कोई पूछे कि इसमें सिंपल सब्जेक्ट या हेडवर्ड क्या है, ये स्टूडेंट्स। इसमें भी कोई पूछे स्टूडेंट्स के ठीक पहले जो शब्द विराजमान है वो क्या है, ध्यान में आप डिटरमिनर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आर्टिकल भी कह सकते हैं और आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। कभी एक टीचर से अगर आप ये कंफ्यूज करें नहीं क्वालिफायर ही है, तो समझिए क्वालिफायर इज आल्सो डिटरमिनर, यह डिटरमिनर ही है तो डिटरमिनर इज आल्सो एन एडजेक्टिव, यह आर्टिकल है तो आर्टिकल इज आल्सो एडजेक्टिव। तो ये कंफ्यूज ना हो, जैसे एक बात कहते हैं यह रिकॉर्डिंग वर्ब है, यह रिकॉर्डिंग स्पीच है, यह रिकॉर्डिंग क्लास है, ये उन टीचर्स को जानना होगा। जो वर्ब है वो हर हाल में क्या है, एक क्लास है, और जो क्लास है वो हर हाल में क्या है, एक स्पीच। ये कंफ्यूजन का एक तरीका होता है। चलिए, तो द स्टूडेंट से हेड वर्ड हो गया और ये क्वालिफायर अभी हो गया, आराम से पहचान सकते हैं इन माई क्लास एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर है? अब ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, आर वर्किंग हार्ड क्या है, ठीक है, बस इतना लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, आप चाहें इसको भी लिख सकते हैं। द क्या है यहाँ,
क्वालिफायर है, स्टूडेंट्स क्या है, सिंपल सब्जेक्ट या हेड वर्ड है, और इन इन माय क्लास क्या है, एडजेक्टाइव एंड प्रीफिक्स। अब आप देखिए पूरा ये पहचान रहे, अभी धीरे धीरे आज ही थोड़ा बहुत हम प्रेडिकेट को भी पहचान सकते हैं। ओके चलो अब आप लिखते टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, TYPES, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। जैसे हमने सब्जेक्ट को सिंपल कंप्लीट और कंपाउंड में बांटा, आप देखिए अभी आप एक वर्ब यानी प्रेडिकेट को भी बांट सकते हैं। इतने फिर से आप पहला सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा कंप्लीट प्रेडिकेट और तीसरा कंपाउंड प्रेडिकेट। जैसे आपने एक सब्जेक्ट को अलग अलग किया था वैसे ही आप प्रेडिकेट को भी कर सकते हैं। और अगर आप हल्का देखिए पढ़ाई में वो केवल आप पढ़ाई बल्कि कभी कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप उस समय के अपने कॉमन सेंस प्रेजेंट शॉप माइंड के दम पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने सीटेट उस समय क्वालिफाई किया था, इसमें ऑल ओवर इंडिया 7% लोग पास हुए थे 2012 में, पता करिएगा उस समय हमने सीटेट किया था और बिना किसी प्रॉपर पढ़ाई के, न के बराबर पढ़ाई, तो दिमाग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने सिंपल प्रेडिकेट कहा तो आप दिमाग तुरंत ले लें इसमें क्या रहेंगे, केवल, ये आपका सिंपल प्रेडिकेट हो जाए। तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, वर्ब विद इट्स मॉडिफायर, यानी वर्ब के साथ जो कुछ भी और शब्द जुड़े रहेंगे मिलके क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा। और कॉमन सेंस रखिए, दो वर्ब्स अगर किससे जुड़ी हो तो गया, लेकिन कल बात हो रही थी अगर कोई बच्चा या बच्ची कोई जवाब दे रहा हो कि कैमरा उसकी तरफ क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, यहाँ वो बच्चा जवाब दे रहा है लेकिन ध्यान से उतर जाए कौन घुमाएगा। घुमाने में तो ये है ना पूरा ये सब लेता हुआ आना पड़ेगा सब। इससे आपको बहुत फायदा हुआ पता है, ये चीजें मैं लाइव नहीं कर रहा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव नहीं चल, लाइव भी कह रहा हूँ पार्टी बहुत मजा आती बीच में रुक गया पता चला बच्चा वहां जो होगा वेट कर रहा है क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग में क्या होगा हम अपने हिसाब से एडिट कर लेंगे, साउंड ये जो इधर उधर की आवाजें हटा सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, सारी चीज क्लियर करके जो गलत है उसको हटा सकते हैं, सही करके सब कुछ रात में डाल दिया करेंगे। कभी भी आपको लगे आप इसे नहीं समझ पाए हैं तो डायरेक्ट आपको ऐसा लगे जैसे फिर से, क्योंकि आप तो मेरे से पढ़ ही रहे आप ऐसा लगेगा मैं दोबारा आपको फिर से क्या कर रहा हूं मैं समझा, ये आप तो इसका फायदा ज्यादा ले सकते हैं। वो बच्चा जो बिना पढ़ी चीजें पढ़ेगा तो उसके लिए केवल वीडियो है, आपके लिए पुनः प्रसारण है, जो आपने एक बार देख लिया था फिर से आप देख कर लेंगे। देखिए
अब आपने लिखा द मैन इज रीडिंग जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया था चीजें बहुत मुश्किल थी मेरे लिए मैं सोचता भी नहीं था मैं कभी इस मुकाम पर पहुंच पाऊंगा जहां बिना किसी ऐड के वो मेरा पूरा बैच 3-4 का फुल हो अभी ऐसा उस समय नहीं सोचता था जब मैंने 1-2 छोटी छोटी बच्चियों से LKG और अपर KG की ट्यूशन शुरू की ऐसे आप भी हैं ठीक है आप जब शुरुआती अवस्था में होते हैं आपके अंदर कहीं कहीं फ्रस्ट्रेशन का वो होता है कैसे होगा पर जस्ट कीप कंटिन्यू मीन्स क्या रखें आप जारी रखें मेहनत करें हर चीज संभव है मैं कोई भी जीनियस स्टूडेंट नहीं था मॉडरेट था सबसे पहली चीज आप इस पूरे बात में जो कर सकते हैं वो ये है कि ये हमारा पूरा क्या होगा डेडिकेट और ये पूरा संजोग से ये भी जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा सब्जेक्ट होगा ना कंप्लीट सब्जेक्ट और संजोग से ये भी जो पूरी वर्ब होगी वो क्या होगी कंप्लीट डेडिकेट कंप्लीट तो लिखे कंप्लीट सब्जेक्ट सिंपल नहीं हुआ थोड़ा ये कंप्लीट सब्जेक्ट है और ये आपका कंप्लीट एडिकेट ये कंप्लीट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि केवल मैन जो होगा वो सिंपल सब्जेक्ट होगा जैसे ही मेन वर्ड हेड वर्ड के अलावा और शब्द होंगे वो मिलके क्या हो जाएंगे कंप्लीट सब्जेक्ट ठीक है अब यहां भी केवल इज रीडिंग होता कि क्या होता आपका सिंपल प्रेडिकेट होता केवल वर्ब होते तो इस वर्ब के साथ हमने क्या लिया इसके बारे में बता रहा है कैसे पढ़ रहा है ये एडवर्ब है ना ये सब मिलकर के क्या हो जाएंगे कंप्लीट प्रेडिकेट केवल मैन होता केवल बॉय है शी है ही है आई है वी है तो केवल एक ही नाम प्रोनाउन है क्या होगा वो सिंपल सब्जेक्ट ले इसके साथ क्या मैंने लिया और भी तो शब्द ये इसके बारे में बता रहे हैं कौन सा आदमी वह आदमी ठीक है तो द मैन पूरा मिलकर क्या हो जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया यहां पे केवल इज रीडिंग वर्ब होता तो क्या होता सिंपल प्रेडिकेट होता इसके साथ यदि एडवर्ब भी है तो पूरा मिलकर क्या हो जाएगा अब अगर आप इसी में खोजना चाहते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं इस द मैन में सिंपल सब्जेक्ट या हेडवर्ड क्या है इसमें आप खोजना चाहते हैं इसमें सिंपल प्रेडिकेट या वर्ब क्या है एक और एग्जांपल आप लिखा वॉयस आर लीजिए मैं आपकी मंशा पूरी कर दिया कहां से हमारा प्रेडिकेट होगा आर कमिंग ओके और सब्जेक्ट क्या है आराम से आप कह सकते हैं ये सब्जेक्ट कौन सा होगा सिंपल ये वर्ब कौन सी होगी सिंपल प्रेडिकेट ये सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा जैसे ही मेन वर्ब के साथ आप कुछ भी जोड़ेंगे वो हर हाल में किसमें आएगा कंप्लीट में आ जाएगा ठीक लास्ट एग्जांपल देखें इसमें तीसरा Those boys are reading and आराम से आप समझ सकते हो पहले आप उनको ये बता दें कि those boys कौन सा सब्जेक्ट हो अलग अलग शब्द हैं
his those boys hai ye complete subject ho gaya. और आप इतने सक्षम हैं अब क्या बता सकते हैं इस दोस्त वॉयस में हेड वर्ड या सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा तो दोस्त क्या होगा क्वालिफायर क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं ये हमारा आर रीडिंग टॉपिक अरे आर रीडिंग एंड टॉपिक सबसे पहले हमारा प्रेडिकेट तो यही है ना ये प्रेडिकेट कौन सा होगा ध्यान देखें दो वर्ब्स मैंने क्या किया है एंड से जोड़ा आराम से कह सकते हैं कंपाउंड कुछ है ये आपने अभी एक शुरुआती सेशन यानी प्रेडिकेट का जो आपका शुरुआती सेशन है कि हम एक वर्ब यानी प्रेडिकेट के टाइप्स समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट भी क्या होता है एक सब्जेक्ट के रूप में अगर सिंगल है तो एक वर्ब रूप में अगर सिंगल वर्ब है तो सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा अगर और भी अलग अलग शब्द जुड़े हैं तो कंप्लीट प्रेडिकेट हो जाएगा और अगर वो वर्ब्स एंड से जुड़े हैं तो कंपाउंड प्रेडिकेट हो जाएगा बिल्कुल सब्जेक्ट के तरह लेकिन इससे हमारा कोई फायदा नहीं ये कल को आप किसी को पढ़ाएं तो आपकी जानकारी चाहे वो बच्चा आपसे कह सकता है सर क्या गजब सर पहले तो हम जानते नहीं ये वो कह सकता है बट देयर इज नो यूज इन योर कंप्रेशन ऑफ दिस वर्ड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ने इस प्रकार की जानकारी का आपके कंप्रेशन लेवल पे कोई फायदा नहीं नॉर्मल में तो नहीं है यूपी टेट वगैरह पूछ सकता है कि सब्जेक्ट कौन सा है कौन से प्रकार ये हो सकता है बट एसएससी में आप इसका कोई यूज एसएससी में यूज क्या है हम जाने कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं रीडिंग में लास्ट आज की पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट लास्ट पोर्शन ध्यान रखिएगा जितने पहली बार होगा कि आपके पास जितनी बार चाहें ये बैच आप रिपीट कर सकते हैं कैसे कैसे वीडियो पहले क्या होता था जैसे आपको कहना पड़ता था अगर आप आज नहीं समझ पाते हैं कल आप जरूर पूछ सकते हैं मेरे से पूछ लीजिएगा अभी मैं कह सकता हूं अगर आप इस समय नहीं समझ पाते हैं यही चीजें आपको फिर शाम को फिर मिल जाएंगे 8 बजे आप वहां से भी क्या कर सकते हैं एक संयोग से वहां भी हमको सेंटेंस ही पढ़ाना था तब ये चीजें मेरी क्या आ जाएंगी प्रीमियर ग्रुप में काम आए अगर आप इसे वीडियो देखते समय रात में नहीं समझ पाए तो वो जो कि प्रीमियर रहेगा तो आप विश्वास रहा मेरे से चैटिंग भी कर सकते हैं सर ये कोर्स नहीं समझ आया तो संतोष श्रीवास्तव आपको लिख क्या देंगे जवाब क्या यहाँ पे आंसर प्रीमियर का ही मतलब होता है हम एक तरह से आपके साथ लाइव जुड़े रहेंगे आप तुरंत हमसे बात कर सकते हैं वीडियो के थ्रू नहीं चैटिंग के और हमेशा कभी भी वीडियो चाहे देख सकते हैं मेरा टारगेट देखे क्या है जो बच्चे मेरे इन कांटेक्ट नहीं है बहुत सारे बच्चे ऐसे बम्बई में एक बच्चा बैठा है जहीर इमाम उस बच्चे का नाम वो बच्चा मेरे 9, 10, 11, 12 पढ़ के गया फिर वहां गया तो वहां की इंग्लिश पढ़ाने का तरीका अलग है मुंबई तो कहता सर मैं स्पोकन वर्ड करता हूँ समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ा कहता या तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं यहाँ से मैनेज कर लूँ या फिर मैं वापस आऊंगा इतना संभव नहीं है तो अब उसके जैसे बहुत सारे बच्चे जो ऐसे जो दूर है मेरे से चाहते हैं मेरे से ही पढ़ना वो बच्चे इसका क्या ले सकते हैं फायदा इसलिए शुरू से सेंटेंस में डाला सेंटेंस ही मेन है आप फ्रेज नहीं जानेंगे क्लास कम जानेंगे कोई नुकसान नहीं पर सेंटेंस से आगे अगर सब जानेंगे आप बस पूरा पैकेज हो जाए पास ऑफ एडिकेट ये आज का लास्ट हेडिंग है पास ऑफ एडिकेट आराम से आप समझें इसके भी 3 पार्ट्स पहला वर्ब दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा बोल दीजिए अदर वर्ब्स हाँ कह सकते हैं आप जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वगैरह होता है उसे अदर्स में रख सकते हैं लेकिन अदर्स में वो शुद्ध अगर आपको रखना हो तो आप एडवर्बियल्स को रखना जो एडवर्बियल होता है वो अदर्स में आता है जो आगे हम आएंगे अभी हम जाने
ये वर्ब जो है आप जानते होंगे दो प्रकार के केवल होते हैं। आप अगर याद करेंगे ना, ज्यादातर टीचर्स उन्होंने जब आपको वर्ब पढ़ाई तो उसके जैसे ही उन्होंने टाइप्स या पार्ट जो भी बताए हो आपको तुरंत उन्होंने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब पे लेकर के आए, जबकि और बेहतर कर सकते थे ऐसे कि कोई भी वर्ब केवल दो वर्ब होती है, मेन वर्ब और ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली मेरे लेवल पे नहीं आपके लेवल पे दो प्रकार का होता है, जानते हैं आप दोनों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। संयोग से कोई भी जो कॉम्प्लीमेंट होती वो भी दो प्रकार की, कौन कौन से दो, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव। कोई भी वर्ड दो प्रकार की, मेन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई भी कंप्लीमेंट दो प्रकार का, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कल इन पर एक एक पर एक एक पर फोकस करके मेहनत करके आप पढ़ें और आगे बढ़ें। ये मेरा पहले आज का एक तरह से लेक्चर फर्स्ट के नाम से वीडियो रहेगी आपकी, जिसे आप देख सकते हैं। आज ही रात की कोशिश मैं करूंगा 8 बजे के आसपास से पढ़ जाए, और कल इसी के आगे वर्ब के बारे में, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। आप इस बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों से अगर इस लेवल पे पूछा जाए चलिए बताइए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं और कौन कौन होती हैं, तो ज्यादातर बच्चे जो मेरे यहाँ नहीं पढ़े होंगे वो नहीं बता पाए कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। चलिए बताइए वर्डल्स कौन कौन सी होती हैं, तो कहीं कहीं पजल महसूस करें। बस मैंने कहा जैसे आज से थोड़ा बहुत आपने समझ ही लिया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे आगे भी हम धीरे धीरे बेहतर कर सकते हैं। आप बैठे रहिएगा।